छुट्टी के रोज शहर के ग्राउंड्स में रश लगा रहा। नौजवान क्रिकेट खेलकर लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। इतवार के रोज़ शायकीन क्रिकेट ने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ ग्राउंड्स का रुख कर लिया है और ग्रिफिन क्रिकेट ग्राउंड में नौजवान क्रिकेट खेलने में मगन है। मज़ीद तफ़सीलात लेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बड़ी ग्राउंड में पीएसएल का मेला सजने के साथ ही क्रिकेट के मतवालों ने छोटी ग्राउंड्स में अपना क्रिकेट का मेला सजा लिया है। इतवार के रोज़ शायकीने क्रिकेट अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट का एंजॉय करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की ग्रिफिन ग्राउंड में, जहां पे शायकीने क्रिकेट दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने आए हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। पीएसएल चल रहा और एक हफ़्ता काम करने के बाद एक संडे होता है हमारे पास, जो दोस्तों को टाइम स्पेंड करना होता है उसमें हम क्रिकेट खेल लेते हैं। और पीएसएल की वैसे तो सारी टीम बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन लाहौर कलंदर ऑल फेवरेट है। लाहौर कलंदर के लिए जो है ना दुआएं भी हैं, उसको सपोर्ट भी हर तरह से। लाहौर कलंदर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ये थे क्रिकेट के शायकीन, जो कहते हैं सारा हफ्ता काम करने के बाद सिर्फ इतवार का दिन मिलता है जहाँ पे वो क्रिकेट खेलें। साथ ही इन्होंने लाहौर कलंदर से भी उम्मीदें बांधी। एक और शायकीन है क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, इतवार का रोज़ है, क्रिकेट खेलने हैं, पीएसएल भी चल रहा है, कौन सी टीम फेवरेट है? जी अस्सलाम वालेकुम, पीएसएल में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं और ये तकरीबन जो पाकिस्तान में 8 साल से मेला सजा हुआ है, अल्लाह पाक ये रौनक बहाल रखे सदा, और उम्मीद भी है इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने कहा थे कि लाहौर, इन्होंने भी लाहौर कलंदर से उम्मीदें बांधी हैं। कहते हैं पीएसएल 8 की जो चैंपियंस की जो ट्रॉफी है वो लाहौर कलंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन।